इंसान तो इंसान, अब भगवान को भी नहीं छोड़ा जा रहा है इस कलयुग में। पहले इंसान जमीन जायदाद के लिए चोरी कत्ल बेईमानी करता था, लेकिन अब बस्तियों को छोड़कर मंदिरों को अपना निशाना बना रहा है। आए दिन ये सुनने को भी मिलने लगा है कि कभी राम जानकी मंदिर की मूर्ति गायब हो गई तो कभी हनुमान मंदिर की मूर्ति गायब हो गई। ऐसा ही एक मामला बहराइच जिले के थाना हरदी क्षेत्र के अंदर भी घटा। पहले भगवान के दर्शन करने के बहाने से योजना बनाई गई और फिर योजना को अंजाम देने के लिए एक पूरी तैयारी भी की गई। अभी चंद दिन पहले रामपुरवा गांव के अवस्थी टोला में भागवत कथा चल रही थी, तभी वहां कुछ चोरों ने भगवान की मूर्ति को चोरी करने की योजना बनाई। उन्होंने अष्ट धातु की मूर्ति जानकर चोरी करने का पूरा मन बना लिया और इस काम में वह लोग कामयाब भी हो गए। पहले दर्शन किया, फिर रात के अंधेरे में मंदिर के बाहरी गेट को तोड़कर मूर्ति चुरा ले गए। श्री राम जानकी मंदिर में भगवान की तीन मूर्तियां स्थापित थी, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण जी थे। इन चोरों ने चोरी करने के बाद मूर्ति को नदी के किनारे गाड़ दिया था और मामले के शांत होने का इंतजार करने लगे। इधर मूर्ति चोरी हो जाने की वजह से गर्मा गर्मी का माहौल था और आम जनमानस में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने एक टीम गठित की, इन चोरों की खोजबीन कराने का सटीक निर्णय लिया। पुलिस लगातार दिन रात एक किए हुए थी, चोरों का पता लगा रही थी। तभी चोरों के मोबाइल के लोकेशन के चलते इन लोगों का पता लग गया और इन चोरों को पुलिस ने रंगे हाथ मूर्ति समेत पकड़ा। पूछताछ में यह भी सामने आया कि ये सभी लोग मूर्तियों को चुरा कर पड़ोसी देश नेपाल में बेचने वाले थे, क्योंकि मूर्तियों की कीमत करोड़ों में थी। पकड़े गए अपराधियों में रामजी निजाम उवैद हैं। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन अपराधियों को जेल भेज दिया है। आज बहुत ही खुशी का जश्न दिन लग रहा है और पूरे हमारे रामपुरवा क्षेत्र के सभी लोग बहुत ही जश्न मना रहे हैं। पता लग गया है कि मूर्ति बरामद हो गई है, तो बहुत ही खुशी का माहौल चल रहा है वहाँ गांव पे, मंदिर पे। और मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ, उनके सम्मान के लिए मैं बहुत ही प्रयास करूँगा। और किस तरह का माहौल था इसने? माहौल मातम छा गया था मूर्ति की चोरी से, क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में मातम सा छा गया था। आज का माहौल जो है जागृति हुई है, बहुत ही अच्छा है, जश्न मना रहे हैं लोग। और आप मंदिर में क्या है? नौ दिन की के टाइम में जो पुलिस प्रशासन ने प्रयास किया है वो संभावना नहीं थी, सराहनीय है। लेकिन आज बहुत ही सराहनीय कार्य हमारे पुजारी हैं आप वहाँ? नहीं, पुजारी तो नहीं, हमारा ही मंदिर है हम लोगों का। अच्छा, हमारे पुरखों देवता का मंदिर है। ठीक, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।